नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस क्लास में जो तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है उसी से संबंधित आपका ये आर्टिकल है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर अभी ये चर्चा में क्यों है और तेल की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण क्या है। जो गिरावट हो रही है तो इसके कुछ कारण भी तो होंगे, उनके बारे में देखेंगे। कीमतों को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं उन्हें भी देखेंगे। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण क्या होते हैं उन्हें भी देख लेंगे। और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस का प्रभाव क्या है उसे भी देखेंगे। किन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा इससे वो भी देखेंगे। क्या इसका उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा तो उसे भी देखेंगे। ब्रेंट और WTI में अंतर क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। कच्चे तेल का अमेरिकी सूचकांक वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट WTI के सोमवार को शून्य से नीचे यानी कि $37 प्रति बैरल तक फिसलने के बाद दुनिया के तेल एवं वित्तीय बाजारों में गिरावट हो गई है। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 20% लुढ़क कर $18 प्रति बैरल रह गया है। तेल की कीमतों में गिरावट के मुख्य कारण क्या है? कच्चे तेल के वायदा कारोबार में कीमतों में गिरावट आई है। वायदा कारोबार में खरीदार एक खास समय में निर्धारित कीमत पर कच्चा तेल वायदा खरीदार के लिए खरीदने के लिए सौदा करता है। गिरावट की मुख्य वजह ताजा डिलीवरी लेन देन और भंडारण लागत से बचने के लिए कारोबारियों द्वारा अपना माल घटाए जाने की कोशिश करना था। WTI कीमतें 0.10 डॉलर प्रति बैरल पर दर्ज की गई थी जो गिरावट से मामूली सुधार था। अमेरिकी तेल के लिए बेंचमार्क कीमत COVID-19 महामारी के प्रसार से पहले $50 प्रति बैरल थी। मौजूदा कमजोरी वैश्विक मांग में एक तिहाई की गिरावट की वजह से आई। अमेरिका में लॉकडाउन के बाद लोगों द्वारा ईंधन का कम इस्तेमाल किए जाने से मांग में कमजोरी को बढ़ावा मिला। ओपेक, रूस, अमेरिका और G20 देशों समेत तेल उत्पादकों द्वारा वैश्विक उत्पादन प्रतिदिन 1 करोड़ बैरल तक घटाने को लेकर सहमति जताई गई। हालांकि मौजूदा कमजोर कीमतों से संकेत मिलता है कि यह प्रयास मौजूदा चिंताओं को दूर करने के उपायों के अंतर्गत कम प्रभावी है, क्योंकि मांग में हर दिन 3 करोड़ बैरल तक की कमी आई है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि दुनिया में जरूरत की तुलना में ज्यादा तेल उपलब्ध है अथवा लॉकडाउन इत्यादि कारणों से तेल का कम प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा मांग, जब मांग कम हो उत्पादन ज्यादा हो तो अपने आप तेल की कीमतों में गिरावट हो, या कोई भी वस्तु है अगर उसकी मांग कम है और उत्पादन अधिक है तो इसकी कीमतों में गिरावट हो। अब आप इस तरह से ले सकते हैं इसे। चलिए आलू को ले लीजिए। अगर आलू बाजार में कम है, उसका उत्पादन कम हो रहा है तो वो महंगा होगा क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं। और जब आलू का उत्पादन अधिक हो रहा हो और खरीदने वाले जो उपभोक्ता हैं वो कम कम हो तो क्या होगा? आलू की कीमत में गिरावट देखी जाएगी। तो वही नियम इस पर भी लागू होता है। बात करते हैं कीमतों को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं। तेल की कीमतें थामने के लिए तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक रूस ने मई और जून में उत्पादन में 97 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने की घोषणा की थी। कीमतों में गिरावट रोकने के लिए जुलाई दिसंबर में से कम कर 77 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल 2022 तक 58 लाख बैरल प्रतिदिन तक करने की योजना तैयार की गई थी।
माना जा रहा है कि 2020 के अंत तक इससे बाजार में कुछ हद तक तेल का भंडार कम हो जा सकता है। बात करते हैं तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण क्या होते हैं। तेल की कीमतें विभिन्न कारकों से प्रभावित होती हैं, लेकिन विशेष रूप से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक द्वारा किए गए उत्पादन के बारे में निर्णयों के लिए किपिति उत्तरदायी है। किसी भी उत्पाद की तरह आपूर्ति और मांग के कानून कीमतों को प्रभावित करते हैं। स्थिर मांग और ओवर सप्लाई के संयोजन ने पिछले 5 वर्षों में तेल की कीमतों पर दबाव डाला है। प्राकृतिक आपदाएं जो संभावित रूप से उत्पादन को बाधित कर सकती हैं, वो मध्य पूर्व जैसे तेल उत्पादक क्षेत्रों में राजनीतिक अशांति भी मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती है। उत्पादन लागत भंडार की क्षमता के साथ साथ कीमतों को प्रभावित करती है। हालांकि कम प्रभावशाली ब्याज दरों की दिशा वस्तुओं की कीमत को भी प्रभावित कर सकती है। जो बार बार आपका ओपेक दिखने आ रहा है, तो ये पेट्रोलियम जहाँ उत्पादन होता है उन सभी का मिलाकर एक संगठन है ओपेक। इसकी स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, बात करते हैं जो कीमतें गिर रही हैं तेल की, तो इसका भारत पर क्या प्रभाव हुआ। जहां तक भारतीय बाजार की बात है, तो यह कच्चे तेल को 25% भारांश देते हुए अपने आयात मानकों का निर्धारण करता है। इसका कच्चा तेल बास्केट इस समय वर्ष 2019-20 के औसत $60.6 प्रति बैरल स्तर का एक तिहाई यानी $20 प्रति बैरल रह गया है। भारतीय कच्चा तेल बास्केट बेंचमार्क 75% भारांश दुबई ओमान को देता है। दुनिया भर में आर्थिक सुस्ती से कच्चे तेल की मांग पहले ही कम हो गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के से हालात और बिगड़ते चले गए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार वर्ष 2020 में तेल की वैश्विक मांग कम होकर 90 लाख बैरल प्रति दिन रह जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार इससे 1 दशक की वृद्धि दर के बराबर नुकसान हुआ। IEA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि तेल उद्योग के लिए अप्रैल सबसे खराब महीना साबित हो सकता है। पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले तेल की मांग 2.9 करोड़ 2.9 करोड़ बैरल तक कम हो सकती है। भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और तेल कीमतों में कमी से इसे लाभ भी मिल सकता है। लेकिन भारत में उत्पादों की कीमतों उनके अपने मानक सूचकांक से जुड़ी होती हैं। इसके अतिरिक्त डॉलर के मुकाबले रुपये के 76.63 तक फिसलने से तेल कीमतों में कमी से होने वाला लाभ सीमित रह सकता है। इस बीच भारत विशाखापत्तनम मंगलोर पाडूर में 53.3 लाख टन तेल का रणनीतिक भंडार जमा करना चाहता है। कच्चा तेल शेष दुनिया या दुनिया की करीब 2/3 मांग के लिए बेंचमार्क है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के अनुसार कच्चे तेल में भारतीय भागीदारी देसी रिफाइनरियों में प्रसंस्कृत कच्चे तेल के सारे ग्रेड ओमान और दुबई एवरेज स्वीट ग्रेड की 75.50:24.50 का प्रतिनिधित्व करती है। WTI कीमतों का लंबी अवधि में ब्रेंट कीमतों पर कुछ असर दिख सकता है। तेल की कीमतों में गिरावट भारत के लिए बेहतर होगा, क्योंकि भारत की ट्विन डिफिसिट में एक बड़ा कारण कच्चे तेल की कीमतें हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस का प्रभाव। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में ऊर्जा की मांग को कम कर दिया है,
लेकिन विशेष रूप से चीन में जो सबसे बड़ा आयातक है, विश्व के सभी देशों में कारखानों को निष्क्रिय कर दिया गया और चीन के वुहान में शुरू होने वाले कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण दुनिया भर में हजारों उड़ानें रद्द हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 2019 में मंदी के बाद पहली बार इस साल संकट प्रभावी होगा। बात करते हैं किन देशों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा इससे। रूस। रूस कम कीमतों के लिए सबसे अधिक अछूता होने का दावा करता है क्योंकि इसका वार्षिक बजट लगभग 40 डॉलर प्रति बैरल की औसत कीमत पर आधारित है। अमेरिकी प्रतिबंधों ने इसे और अधिक कुशल बनने के लिए मजबूर कर दिया। खाड़ी देशों ने सऊदी अरब, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात में 2 से 6 डॉलर प्रति बैरल की अनुमानित लागत पर तेल का उत्पादन किया है, लेकिन उच्च सरकारी खर्च और नागरिकों के लिए उदार सब्सिडी के कारण अपने बजट को संतुलित करने के लिए उन्हें 70 डॉलर प्रति बैरल या अधिक की कीमत में बिक्री की आवश्यकता है। तेल पर निर्भर वे राज्यों जो संघर्ष या प्रतिबंधों के वर्षों से पीड़ित हैं, वे सबसे भारी कीमत का भुगतान करेंगे। इराक, ईरान, लीबिया और वेनेजुएला सभी उस श्रेणी में हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भी इससे प्रभावित होगा। कुछ राज्यों के सेल ऑयल का उछाल आर्थिक मंदी लेकर आया और कम कीमतों से तेल कंपनियों को नुकसान होगा। क्या इसका उपभोक्ताओं पर भी असर पड़ेगा? चीन, भारत और जर्मनी जैसे बड़े आयातक देशों को ऊर्जा बिल गिरने से कुछ आवश्यक राहत मिल सकती है। उपभोक्ताओं को कम तेल की कीमतों और पंप पर गैस की कीमतों में गिरावट से सामान्य रूप से लाभ होता है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में जहां खुदरा बाजार सीधे आपूर्ति और मांग के लिए अधिक प्रतिक्रिया करते हैं, कर और अधिभार यूरोप में पंप की कीमतों का एक उच्च हिस्सा बनाते हैं, इसलिए वहां प्रभाव कम चिन्हित है। लेकिन गैस की कीमतों में किसी भी कमी की संभावना वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित होने से होगी। फिर इस मूल युद्ध का प्रभाव टेक्सास, लुइसियाना, ओक्लाहोमा, न्यू मैक्सिको और नॉर्थ डकोटा जैसे राज्यों में अमेरिकी तेल उत्पादकों और ऊर्जा क्षेत्रों के रोजगार पर पड़ेगा, जिन्होंने पिछले एक दशक में उछाल का आनंद लिया है। बात करते हैं ब्रेंट और WTI में अंतर। ब्रेंट कम सल्फर मात्रा वाला कम ठोस कच्चा तेल है और इसलिए यह रिफाइनिंग के उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। इसे उत्तरी समुद्रों से निकाला जाता है। दूसरी तरफ WTI को अमेरिका में बगैर समुद्री सीमा वाले क्षेत्रों से तैयार किया जाता है और यह बेहद हल्का होता है। ब्रेंट कीमतें ओपेक पर और तेल आपूर्ति बढ़ाने या घटाने के उसके निर्णय पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ WTI की कीमत अमेरिका में उत्पादन पर निर्भर रहती है। तो ये था आपका तेल की गिरती कीमतों से संबंधित आर्टिकल। ठीक है।